पीएम नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे से जुड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर हैं। COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीयों ने वंदे मातरम के नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से बहुत प्रभावित हूँ। उनका समर्थन, उत्साह हमारी जीवन संस्कृति मजबूत संबंधों का प्रमाण है। तो आपको अपडेट दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे से जुड़ा, जहां वो COP28 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुबई पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही जो प्रवासी भारतीय हैं वहां, उन्होंने नारे लगाए, स्वागत किया और इस पर पीएम ने ट्वीट करके अपनी भावनाएं व्यक्त की। आपको बता दें COP28 सम्मेलन जो है जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक समिट है, जो जिसकी शुरुआत पेरिस से की गई थी और दुबई पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ, जय हिंद के नारे लगे और प्रधानमंत्री ने सभी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम के नारे लगे और ट्वीट करके पीएम ने कहा कि दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से बहुत प्रभावित हूं, उनका समर्थन, उत्साह हमारी जीवन संस्कृति का प्रमाण है। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई, जहां COP28 सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको बता दें जलवायु परिवर्तन से जुड़ा यह सम्मेलन है, जहां पे पूरा विश्व एक साथ होकर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करता है। किस तरह से दोनों देश या तमाम देश एक दूसरे की सहायता करके प्रदूषण के स्तर को कम कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर सकते हैं, किस तरह से जो परिवर्तन दिख रहा है जलवायु में और किस तरह से वो जीवन को प्रभावित कर रहा है, तमाम देश किस तरह से इन एमिशंस को रोक सकता है, किस तरह से प्रदूषण के स्तर को, कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर को रोका जा सकता है, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा की जाती है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से भारतीय समुदाय के लोग पीएम का स्वागत कर रहे हैं। एक अलग ही खुशी का माहौल है, उत्साह है और दुबई पहुंचने पर जिस तरह का स्वागत मिला है उसे प्रधानमंत्री अति प्रभावित हैं और उन्होंने सभी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है, ट्वीट किया है। तो आपको बता दें पीएम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंच चुके हैं और COP28 जो विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लेंगे। यूएई पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने इस बात का आभार व्यक्त किया सभी भारतीयों को। वंदे मातरम के नारे लगाए गए और प्रधानमंत्री और जितने भी देश इसमें शामिल हैं उन सब का एक ही मकसद है कि किस तरह से धरती को बेहतर बनाया जा सके। तो आपको बता दें भव्य स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। यूएई के उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख सैफ बिन जायद अल नहयान ने पीएम मोदी का स्वागत किया और इस बैठक में पीएम मोदी वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे और जलवायु की कार्रवाई, जलवायु के दिशा में कदम उठाने के लिए तमाम देश काम करेंगे। यहाँ प्रवासी भारतीय भी प्रधानमंत्री को देखकर उत्साहित थे, उनमें उमंग थी, उनमें उत्साह था और इसे देख करके प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से बहुत प्रभावित हूं, उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवन संस्कृति को और मजबूत संबंधों का प्रमाण है।